क्या बोले? हाँ? चीते की चाल, बाज की नजर, लोमड़ी का दिमाग। वो दिमाग को फोड़ देती हूँ तुम्हारे। और क्या बोले थे तुम मेरे को? दीवानी हंडी, ये प्याज को छीले जैसा तुम्हार को छील देती हूँ मैं। और ये जो टमाटर है ना, उसके जितने टुकड़े हुए ना, उससे कई ज्यादा टुकड़े मैं तुम्हारे कर देती हूँ। समझ में आया? अब उठो यहाँ से, दफा हो जाओ। चांद पाशा की बेटी हूं मैं, दिन में चांद तारे सब दिखा देती हूँ तुम्हार को। अब यहां से उठो और दफा हो जाओ। रजा हाँ रहा? कुछ हाँ बा भी नहीं। मियाँ बहन घर को आ गई हाँ? ना उनके ससुरे फोन करे, ना उनके शोहर फोन करे। क्या है बच्ची घर को आई नहीं, किधर गई, क्या गई? खैर वो बात की बात है, मगर अपन अपन तो फोन करके बात करेंगे। क्या हुआ, मसला क्या? नहीं इन्हें बोल तो इसका सुना रही। नहीं नहीं करना जरूरी है पाछी, गलत बात है ना। तो अपन भी नहीं करे बल्कि फिर बहाना मिलता सामने वालों। करो आप बात करके, क्या है भिजा देंगे ना तो तुम लिख जाके छोड़ो ना तो मैं लिख जाके छोड़ता हूँ। क्या है बात करके छोड़ी नहीं। लगा भाई। सलाम अलैकुम, खैरियत? क्या खैरियत से? तुम्हारा नहीं मालूम? वैसा नहीं भाई, मैं ये बोलना चाह रहा था आखिर क्या हुआ। क्या बोलना चाहते जी तुम? तुम्हारी बच्ची ऐसा घर छोड़ के चले जाती? वैसा नहीं भाई, मैं बाद अल्लाह जी मैं बात। क्या नहीं नहीं भाई, मैं क्या कर रहे यार हो? अंकल सलाम अलैकुम, मैं रजाक बात कर रहा हूँ, निदा का बड़ा भाई। अरे तू क्या बात करता मियां, तू खुद जोरू का गुलाम है, तेरा बाप भी जोरू का गुलाम है, तुम लोगों का खानदान पूरा जोरू का गुलाम। हमारे पास ये सब नहीं चलता। उठो बतो उठती, बैठो बतो बैठती। तुम्हारे से बात करते बोल रहे? हाँ भाई। क्या बोलो? नहीं भाई बच्ची से गलती हो गई, माफी चाहता हूँ मैं जरा। अरे माफी चाहते तो तुम पहले बोलते थे जी। दो दिन हो गया तुम्हारी बच्ची आके तुम्हारे पास, या कितना परेशान करके रखे हमको तुम लोग। इंशाल्लाह आइंदा से गलती नहीं होगी भाई। अरे गलती होंगी नहीं होंगी कैसा भाई, ये बोलो मेरे को पहले। तुम दो बार हो गया या तीसरी बार है? जी जी समझे जी। ये तीसरी बार में अच्छी तरीके से समझा के भिजा दो, ठीक या है? नहीं बोलते तो बच्ची अब चौथी मरतबे तुम्हारे पास आएंगी ना तो पेपर लेके आएंगी। नहीं नहीं भाई, इंशाल्लाह उसकी नौबत नहीं आएंगी, मैं समझा के भिजाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। समझा लो पहले, समझा लो के बाद में बोलो मेरे को तुम। नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं समझा के भिजा दे रहा हूँ भाई। ठीक है ठीक है, रखो अल्लाह। क्या कहते भिजाओ बोले ना? अब भिजाओ बोले मियाँ, मगर समझा के ताकीद करके भिजाओ बोले। उनका दिल बड़ा है बेचारे, माफ़ कर रहे, हर कोई वैसे नहीं रहते। उनकी मजबूरी को भी अपन समझ के चलना पड़ता, तो देखो अपन उसको समझाएंगे। ज़िंदगी ये नहीं होती बेटा, हम लोग तुम लोग मुसीबत नहीं उठाना वाले। क्या क्या मुसीबत करके हम लोग तुम लोगों को पाले। आज देखो बच्ची की तरफ से चार बातें सुनना पड़ रहा। खैर उसको समझेंगे अपन, समझा के भिजाएंगे। चलो मैंने समझा था, मैं बोला तो फिर भैया ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा बोल के बात आती। तुम बड़े हैं, तुम्हारे मम्मी मिलके समझा के भिजा दो भाई, छोटे से भिजाने लगा। ठीक है ठीक है, मैं समझा के समीर से भिजा देता हूँ। नको बोलो बीच में, तुम भी नको बोलो, अच्छा नहीं रहता, पहले ही बहुत बोल दिए। चलो ठीक। देखो बेटा, तुम्हारे घर में बात हो गई, और तुम्हारे ससुरे साहब से और तुम्हारे शोहर से मेरी बात हो गई, और तुम ये छोटे छोटे चीज़ों को लेकर ज़िंदगी ख़राब कर लेने के काम आए। समझ में आ रही बात मेरी? ये बात नहीं बात की तुमने, तुम उठ रहे आ जा रहे, उठ रहे आ जा रहे बोले तो, ये तमीज़ तहजीब नहीं है और ये अखलाक नहीं है अपने। हम तुम्हारे को ये अखलाक नहीं दिए, समझ रहे? तुम्हारी ज़िंदगी संवरना, बल्कि तुम्हारे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिए, अच्छी से अच्छी परवरिश करे, मगर तुम इस चीज़ का सब गलत कर दे रहे, पूरा पानी कर दे रहे हमारी मेहनत पूरी। समझ रहे? तुम्हारे शोहर से और तुम्हारे ससुरे साहब से बात हो गई, और तुम खामोश चले जाएंगे और जाके माफ़ी मांगेंगे वहाँ पर। नहीं, और नहीं, बेगम खामोश बैठो तुम, ये बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, इसमें मैं तुम्हारी दखल अंदाजी ये नहीं समझता हूँ मैं ज़रूरी। तुम हर चीज़ में चला लिए, मगर बच्ची की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है तुम्हारी बात। खामोश बैठ जाओ, समझ रहे? हर चीज़ तुम बोले सर का नहीं होता, कुछ चीज़ को अपने को भी झुकना पड़ता, अपनी औलाद को भी झुकना पड़ता। बस समझ रहे बेटा, तुम एक अल्फाज बड़ी बात से नहीं करेंगे, ना तुम्हारे शौहर से करेंगे, ना तुम्हारे सास से करेंगे, ना तुम्हारे ससुरे से करेंगे। वो लोगों का जो भी काम रहेगा तुम करना पड़ता, तुम्हारे शौहर का जो भी काम है तुम्हारा हक है करना। और तुम्हें अब उठी थी, जब उठी थी, थोड़ा लेट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट,
ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलता जिंदगी में, इससे ज़िंदगी नहीं बनती बेटा, ज़िंदगी ख़राब होती, समझ रहे ना तुम। समीर को उठा के भिजाओ घर को, इसको जाओ, अच्छी जाओ भाई के साथ घर को चले जाओ। कहा जी? मेरा जी मिचला रहा, मेरे पैर बहुत भारी हो रहे, उल्टी जैसा हो रहा मेरे को, और ऊपर से खट्टा खाना दिल बोल रहा जी। ये क्या बात है, ये गुलिस्तान में एक गुल आने वाला है। अब्बा अम्मी मरफा बुलाओ, म्यूजिक लगा, भर में बच्चा आने वाला है। क्या बात है बेगम, क्या खुशखबरी दी है बेगम तुम, वाह वाह वाह। कहीं को तो भी नाच रहे तुम। अरे तुम प्रेग्नेंट है, सूरत तुम्हारी। खाने के टाइम पे मसाला बहुत आज हो गया था, मेरे को एसिडिटी हो गई शायद से, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं दिख रही। हटो यहाँ से, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही, उल्टी जैसा हो रहा मेरे को, हटो मेरे को लेटना है, हटो। पूरे अरमानों पे पानी डाल दिए बेगम तुम। क्या तुम क्या ठहरे जी, मेरे पैर दर्द हो रहे, बहुत भारी हो रहे, थोड़े से दबा दो ना प्लीज। पैर दबाने वाला दिख रहा जी, मैं तुम्हारे पैर दबा बोल रहे, तुम्हारे शर्म आ रही, शोहर को पैर दबा बोल रहे तुम। कई कुछ जब आपकी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं रात रात भर आपकी सेवा करती हूँ थी, तब कुछ भी नहीं, अब जरा मैं पैर दबा दो बोले तो ऐसा बोल दे रहे क्या जी मेरे को। मम्मा जान दे माँ रौनक को, तुम दबा दबा रहा पलटो था पैर दबाओ, एक दिन गला भी दबाया था जी तुम्हारा। क्या देना ला दे अल्लाह ताला, तू पैर दबाना पड़ा। अरे मियाँ, दिन भर रात भर फोनों में रह तो कैसा आ रहो, रात भर जगते, दिन भर सोते, जाके चबूतरों पे बैठना, वो करना, ये लाठोरी पना कब तक करेंगे बेटा। जाके कुछ भी मेहनत करो, मेहनत करके सुबह निकले तो शाम में आते, 100 रुपये तो लाना घर में, 1 रुपया नहीं रह सका जेब में, कब तक हमारे खर्चों पर पलेंगे तुम। तुम्हारे पालने तकलीफ नहीं है, मगर तुम भी एक जिम्मेदार इंसान बनना। आज नहीं तो कल तुम्हारी भी शादी होती, उसको करके लाते, उसको तेरे को सबको पालना रहे भाई। बच्चा को बच्ची कौन देंगे तुम्हारे को, ऐसा रहे तो। बड़ा देखे तो वैसा, छोटा देखे तो ऐसा, बच्ची देखे तो वैसी, क्या करवा रहे हो। वाह वाह वाह, क्या आदमी है। बच्ची तो घर में रहे तो तुम्हारे कांटों पे चुभ रही थी, इसा से मेरी बच्ची को जाओ जाओ बोल के तो तुम बढ़ा दिए। जब तुम्हारे को कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें जर्रा कहीं जमीन पे भी बैठी तो तुम्हारे को भी चुभ रही, तुम्हारे बड़े बेटे को चुभ रही, भाऊ को, पूरों को मेरी बच्ची चुभ रही थी। आप कैसा याद आ रही बच्ची तुम्हारे को? अरे मैं जी समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं, कुछ तुम्हारे को समझाने को है थोड़ा बहुत तभी। अरे वो क्या कर रहे, कुछ भी कर ले रही होंगी, तुम बोलो भी नको मेरे नाम पे, समझ में आ रहा। तुम्हारे को बच्ची ऐसा सामने दिखते जो चुभ रही थी ना कांटों पे, तुम्हारा जो बड़ा बेटा जो भाऊ के रंगा थे ना, मैं पूरा देखी, समझ में आ रहा मेरे को? नको बोलो तुम। मैं क्या कर रहा जी, उसकी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा हूँ ना। क्या जिंदगी संवार रहे तुम? क्या जी, बच्ची 4 दिन आके रही तो जिंदगी संवार रहे तुम? अरे महीने में 4 दिन, क्या बोलो इनको, 4 दिन नको बोलो, 8 दिन नको बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, खैरियत भाई? इज्जत दे रहेगा जिसको, शोर साले को, किसको बोल रहे जी? नो नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहे जी भाई, वहाँ उन्होंने बोल ले रहे। कैसे आप, कैसे है? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर डर तो समझ रहे मेरे को, किसको बोल रहा जी? नो नहीं नहीं, साजिद भाई आपको नहीं बोल रहे, वहाँ वहाँ बोल ले रहे नो। बच्ची पहुँच गई साजिद भाई अच्छे से मेरी? हाँ पहुँच गई बिल्कुल खैरियत से। साजिद भाई किसका नाम है तुम्हारे को नहीं मालूम? अच्छा अच्छा, अरे वही मैं पूछने करी थी, बच्ची हमारी सही सलामत पहुँची नहीं पहुँची बोल के मालूम जी। बिल्कुल खैरियत से। अच्छा अच्छा, साजिद भाई एक बात बोलो, आप बुरा नहीं माने तो बोलिए। मेरी बच्ची कोई तकलीफ दी आपको कभी? एक आध टाइम पे थोड़ा उठने को देर कर दी तो आप थोड़ा संभाल लेना। मेरी बच्ची जब शादी करके नहीं आई तो आपके घर में चाय पत्ती सब पकती थी, चाय बनती थी होंगी ना? देखो ये सब बात आप मेरे साथ मत करो, समझे बाजी? मैं आपको, मैं सिर्फ मर्दों से बात करता हूँ, अगर बात करना है तो, औरतों से बात नहीं करता मैं। वो मर्दों से बात आप बाद में कर लेना, मर्द से पहले मैं हूँ यहाँ, आप मेरे से बात करिए। आप या कोई भी आदमी नहीं बात करता जैसी मैं करती हूँ। मेरे को उससे काम नहीं है, मैं औरतों से बात नहीं करता हूँ बाजी, आप समझो। कहीं को बोलता मेरा बीपी बढ़ जाता एकदम। आप
तो 24 घंटे बीपी बढ़ते रहता, मेरी बच्ची को आप लोग कैसा बात करे जी, मुंह को जैसा मेरी बच्ची को बात करके भी जाते। एक चाय खाली नहीं बनाई तो देर से जो मुंह को आया वो बोल देते। आप बोल रहे हैं, आपकी बीवी बोलते, आपका बेटा बोल रहा, सब जने बोल रहे हैं मेरी बच्ची को। अजी अब तुम फोन रखो। कई को रखूं जी भाई, कई को रखूं फोन, आप ये बोलिए। हेलो हेलो, एक सेकंड। अरे सैयद भैया जिनका नाम साजिद भाई, साजिद भाई बोल तो मैं भी परेशान हो रहा हूं ना। इनो फोन कई को कट करे मेरा, क्या नाम लेते कि क्या। अरे उनो करे सो कुछ भी करेंगे, अच्छा करेंगे। तुम पहले फोन इधर दो, मैं बात कर लिया बोला था ना बच्ची के बारे में सब, तुम कई को फोन करे। तुम क्या बात करते जी, तुमको बात करने आता, तुम ढंग से आज तक मेरे से नहीं बात करे जी सही से। तुम कभी बात कर सके मेरे से, तुम जो बच्ची से बड़ी नाक लेके बच्ची के ससुर से बात करने चले गए। जो करना था मैं कर लिया बेटा, तुम हां में हां मिलाते जा रहे हो, इधर पलटा तो उधर, इधर पलटा तो इधर। खाली का बैगन नहीं ने, तुम उसका ना नको जाओ मेरे बच्चे को, मैं कुछ ही बोल लेती, मान लेती, तोड़ लेती जी। तुम कहीं को बोल रहे हो, उसको इतनी बड़ी बात बोलते, तुम बच्ची को भी ऐसी बोल रहे हो। वही तुम्हारे बड़े बेटे को बोलो ना जाके, बहू को तो लो 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 रख लेते रहते ना, तुम बहू को कहीं को रख लेके फिर वैसे ही सुन। वही तुम्हारे को बोलने हाथ नहीं हो रहा बहू को। अरे मैं सबको बोलता हूँ जी। किसको बोलते जी तुम, खाली मेरे कुछ बोलते, ये पकड़ो तुम, मेरे से बात नको करो, नको करो तो नको, जाओ उधर, पूरा बना बिना खेल पूरा बिगाड़ दिए। अब वो अब जाके पैरा पड़ना पड़ता सर का, दिख रहा मेरे को उनके। अरे मैं समझ में आ रहा, अरे मैं बात कर लिया था जी, तुम्हारी क्या जरूरत थी फोन करने की, अब जाके पैरा पड़ना उनके। अब मैं वही चाह रहे असल, तुम ना सब जने मिल गए मेरे को झुकाना चाह रहे। बकलो दीवाना बकलो, मैं पाल ले तू मेरी बहन को। अरे पहले तेरे, मैं पाल तू मेरी बहन को, मैं पालता हूँ। अमीन बाहर बच्चे चॉकलेट पूछ रहे, दिला जा, बाजू वालों का बच्चा रो रहा, कहते चॉकलेट तो दिला पहले उसको, बहन को पालता, कहते बहन को क्या पालता रे। अरे क्या करी भाई औरत, ये पूरा तमाशा करके रख दी। अजी कहाँ है जी तुम, अजी अजी कहाँ है जी तुम, दिख रहे नहीं, ये इंसान कभी भी मेरे को मेन टाइम पे नहीं मिलते। अजी ये इंसान पलंग के नीचे भी नहीं। अजी अजी यहाँ है, बाहर आओ जी। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ वो पूछो जी तुम। क्या नहीं हुआ अजी, अगर मैं बोली ना तो तुम्हारे छक्के छूट जाते। कहीं कुजी अजी, अगर मैं बोली ना तो तुम्हारे नीचे से कबोर्ड हिल जाता। कहीं को ऐसा क्या हो गया अजी, अगर मैं बोली तो तुम अंदर ही चक्कर आके गिर जाते जी। तुम बाहर आओ, तुम्हारे कुछ तो भी हो जाएगा। अजी मेरे को सुकून से करने भी नहीं दे रहे, मैं मिसाइल लॉन्च कर रहा था अंदर। तुम्हारे अम्मा वहां पे न्यूक्लियर लॉन्च कर दिए, तुम्हारे मिसाइल की लगी हुई है। कहीं को ऐसा क्या हो गया। निदा के ससुर को फोन करके एल फेल उनको क्या क्या कुछ बोल दिए, उनको जेल पहुंचाते कहते, उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते कहते, डाउरी केस बुक करते कहते, उनको जेल में चक्की पीसने लगाते कहते, उनको काला पानी भेजते कहते, क्या क्या नहीं बोल रहे ये बोलो जी। तो तुम ठहर के क्या तमाशा देख रहे थे पागल औरत, जाके उनको रोकना था। अम्मी व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज स्टॉप दिस इज बोल के रोकना था तुम। अच्छा उन्हों तुम्हारे अब्बा की नहीं सुनते, उन्हों मेरी सुनेंगे। वो बात भी सही है, तुम्हें कहीं कुछ सुना रहे तुम वो सब। तुम्हारी अम्मा के हरकतां देख के मेरे को ऐसा दिख रहा कि निदा वापस आ जाएंगी, उसके पीछे पीछे पेपर भी आ जाएंगे और निदा इधर वापस से डेरा डाल लेंगी। अगर निदा वापस आई तो मैं यहां से गई, मेरी सूरत तुम आखिरी बार देख लो।